नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शैरन। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने फिर एक बार उत्तर प्रदेश में पकड़ी है रफ्तार। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ यानी कि नवाबों के शहर में अवैध निर्माण पर एक्शन जारी है और अब कई बुलडोजर जो है वो पहुंच चुके हैं अवैध निर्माण को हटाने के लिए। आपके लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिराए जाने हैं 1100 से ज्यादा मकान और दुकानें और अभी तक 150 से ज्यादा अवैध निर्माण पर चल चुका है सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। आपके लिए बता दें कि जहां 3 दिन से लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी कार्रवाई को रोकने के लिए पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी और तमाम चीजें करने की कोशिश जो है वो वहां के लोगों के द्वारा की गई। पर आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ लगातार प्रशासन कर रहा है अवैध निर्माण के ऊपर बुलडोजर से एक्शन, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस भी है वहां पर मौजूद, वो भी ज्यादा संख्या में। दरअसल आपके लिए बता दें कि लखनऊ में अवैध निर्माण पर ऐसा एक्शन जारी है। एलडीए की 2 टीमें लगातार जो है वो काम कर रही हैं और ये काम पिछले 3 दिनों से जारी है और अभी तक एलडीए ने यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने 150 से ज्यादा मकान और दुकानों को जो है वो बुलडोजर से ढहा दिया है। जिस तरीके से ये लखनऊ के अकबर नगर में कहीं ना कहीं जो है ये निर्माण को रोकने का काम कर रहे थे और कोर्ट के फैसले के बाद इस अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है, जिसमें मकान दुकानें शोरूम और गैराज तथा गोदाम शामिल थे, जिनके ऊपर एक एक करके लगातार कार्रवाई जो है वो प्रशासन के द्वारा जारी है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि लखनऊ में एलडीएफ ने यानी कि आज की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से दिन भर ये कार्रवाई सवेरे 7 बजे से चल रही है और गैराज से गोदाम तक गिरा दिए हैं और कल भी देर रात तक जो है वो कार्रवाई यहां पर हुई है। अगला प्राधिकरण यानी कि कुल 150 से ज्यादा निर्माणों को ध्वस्त जो है वो कर दिया गया है। अकबर नगर लेक द्वितीय यानी कि यही पर यही वो इलाका है जहां लगातार जो है वो प्रशासन के द्वारा जो है वो कार्रवाई की जा रही है। दरअसल आपके लिए बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये कार्रवाई जो की जा रही है ये इसीलिए भी की जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नदी थी जिसे नाला बना दिया गया ज्यादा घर और शोरूम खोलने की वजह से, क्योंकि ये तमाम जो है ये सरकारी जमीन है जहाँ एक तरफ सरकारी जमीन को खाली कराया जा रहा है, इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है, तो इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से ये इंतजाम भी किए गए हैं कि यहाँ तमाम रहने वाले लोगों को जो है वो एक अलग जगह दी जाए। और यहाँ पर देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो है वो कार्रवाई जारी है, लगातार इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। इसी के साथ तस्वीरें वो भी सामने आ रही हैं जहाँ पर प्रशासन के द्वारा ट्रक भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिसके द्वारा यहाँ जिन लोगों के घर दुकान मकान तोड़े गए हैं उन्हें एक सुरक्षित जगह पर भी पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि अगर इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है और यहाँ पर सालों से रह रहे लोगों को जो है वो जगह भी मुहैया कराई जा रही है, क्योंकि अकबर नगर में ये एक्शन जो हुआ है ये इंक्रोचमेंट पर है, सरकारी जमीन जो है वो भी सालों से कब्जे में थी। और आपके लिए बता दें कि अकबर नगर में ये जो कॉलोनी बसाई गई थी अवैध तरीके से, ये भी अखिलेश यादव क्या जिस समय पर शासन था उत्तर प्रदेश में उस समय पर ही ये तमाम कॉलोनी जो है वो बसाई गई थी, जिन पर अब लगातार एक्शन जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ का जारी है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाली सरकार अब लगातार इंक्रोचमेंट पर अपनी नजरें गड़ाई हुई है और यहाँ पर ये 3 दिन से जो कार्रवाई हो रही है, यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4-4 बुलडोजर जो हैं वो आपको तस्वीरों में भी दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा खुद मौके पर डटे हुए हैं कि हालातों को संभाला जाए और कार्रवाई जिस तरीके से चल रही है वो अच्छी तरीके से हो पाए। इसी के साथ नजर डालिए आखिरकार क्या कह रहे हैं सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा। 150 अकबर नगर 2 के मकानों का ध्वस्तीकरण हुआ है और आज पूरा अकबर नगर खाली हो गया है। 100% सब लोगों ने सामान निकाल लिया, सब शिफ्ट हो गए हैं
और आज से कल के बीच में अकबर नगर 2 का 100% डिमोलिशन हो जाएगा, फिर अकबर नगर 1 की तरफ हम लोग जाएंगे। वो बसंत कुंज में नए PMOI के आवास बने हैं, उनको दिए जा रहे हैं और वहाँ पूरी LDA की टीम लगी है। अगर कोई किसी को असुविधा हो रही है, किसी के मकान में कोई त्रुटि है छोटी मोटी, तो उसको शिफ्ट भी किया जा रहा है और उसको पूरी तरह से व्यवस्थित किया जा रहा है। सर, घरों के सामान को किस तरह से भेजा जा रहा है? सामान के लिए भी करीब 50 गाड़ियाँ लगी हैं LDA की और प्रशासन नगर निगम की, उनको फ्री ऑफ कास्ट ट्रांसपोर्टेशन दिया जा रहा है। देखिए, आपने सीधा बात सुनी है कि किस तरीके से सचिव ने कहा है कि तमाम चीजें सही तरीके से हों और इंक्रोचमेंट हटाई जाए और यहीं पर बहने वाली नदी को फिर एक बार वैसा ही किया जाए जैसा कि ये कभी नदी हुआ करती थी सालों पहले, जो कि अब नाले में तब्दील हो गई थी, और उसी तरीके से फिर एक बार जो है इन तमाम चीजों को सुधारने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आपके लिए बता दें कि अधिकारियों की अगुवाई करते हुए निर्माण जो है यहां पर गिराया जा रहा है और जिन मकानों और बिल्डिंगों को खाली नहीं कर रहे हैं लोग, उसे भी खाली कराया जा रहा है, क्योंकि लोग काफी ज्यादा जिद्दी पना इस समय पर दिखा रहे हैं कि घर छोड़ने के लिए राजी नहीं है, पर यह जगह उनकी नहीं है, यह सरकार की जमीन है जहां पर कब्जा किया हुआ था। आपके लिए बता दें कि एक तरफ यहां पर बने मकानों को तोड़ने का काम शुरू किया गया है और अभी तक 50 से ज्यादा मकानों को तोड़ दिया गया है, जिसमें अगर मकान की बात करें 50 हैं, अगर इसी के साथ गोडाउन से दुकान और शोरूम लगाएं तो लगभग 150 से ज्यादा इंक्रोचमेंट पर बुलडोजर से कार्रवाई हो चुकी है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि आखिरकार कितना इंक्रोचमेंट अभी और हटाया जाना है, तो लगभग पूरी संख्या जो है वो 1100 के आसपास सामने आ रही है, जो कि पक्के मकान, शोरूम और गैराज जैसी चीजें हैं, इन्हें हटाया जाएगा। इसी के साथ झुग्गी झोपड़ियों को की संख्या को भी लगा लिया जाए तो वो पूरी 1500 के पार पहुंच रही है। देखिए, नवाबों का शहर है लखनऊ, पर यहां पर इंक्रोचमेंट की संख्या जिस तरीके से सामने आई है कि चप्पे चप्पे पर इंक्रोचमेंट, सरकारी जमीन पर कब्जा, घर, दुकानें, शोरूम बनाने वाले लोगों के लिए ये एक बड़ा सबक है कि सरकारी जमीन पर इस तरीके से इंक्रोचमेंट कर और कुछ सालों बाद अपना हक जमाने का दिन जो है वो अब चले गए हैं, जिस तरीके से प्रशासन ने ये बड़ा एक्शन लिया है। और आपके लिए मैं देखिए पहले ही हम बता चुके हैं कि LDA और इसी के साथ प्रशासन के द्वारा जो घर दुकानें तोड़े गए हैं और जिन लोगों का घर है वहां, उन तमाम लोगों को जो है वो पहले अलग जगह जो है वो दी जा रही है, रहने की जगह मुहैया कराई जा रही है। अगर हम बात करें लखनऊ के इतिहास की, तो देखिए इतने मकान और दुकान कभी भी लखनऊ में गिराए नहीं गए हैं और पहली बार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि इंक्रोचमेंट को लेकर सरकार जो है वो काफी ज्यादा सख्त कदम उठा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विकास को रोकने की सबसे अहम जड़ है। जिस तरीके से सकरी गलियां और इसी के साथ एक नदी को नाले में तब्दील कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ कब्जा करने के लिए। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।